नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन की जानकारी इसे मैं आपके सामने शेयर करूंगी। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा 2 फरवरी 2023-24 की बजट में की गई थी और योजना का उद्देश्य देश के छोटे कारोबारी जैसे शिल्पकार, बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री आदि का 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायियों से संबंधित कारीगरों को इस योजना में शामिल किया गया है और योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है इन कारोबारियों को। और प्रधानमंत्री के अनुसार छोटे कारीगर स्थानीय शिल्प के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः उनके जो है प्रशिक्षण करना, आधुनिक औजारों से उनका प्रयोग से उनके कौशल विकास में सहायता करना, विकास करने के उद्देश्य से जो है इस योजना को शुरू किया गया है। और योजना के तहत जो है अपने हाथ के कौशल से जीवन यापन करने वाले छोटे कारीगर एवं शिल्पकारों को आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और विश्वकर्मा कौशल विकास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा और गांवों एवं शहरों में अपने हाथ के कौशल के दम पर स्वरोजगार करने वाले कारीगरों एवं शिल्पकारों द्वारा तैयार माल की पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग करके उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुँचाया जाएगा और जिससे जो है भारत के जो पारंपरिक कुटीर उद्योग से संबंधित या छोटे कारीगर हैं उनके जो है बनाए हुए उत्पादों को विश्वभर के बाजार में नाम मिलेगा। और कौशल विकास के माध्यम से उद्योग की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा और इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कारीगरों एवं शिल्पकारों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार उनके उत्पादों को की ब्रांडिंग की जाएगी जिससे छोटे कारीगरों को अपने उत्पाद के लिए विस्तृत बाजार में पहुंच मिल सकेगी। और योजना के तहत आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण में नामांकित कारीगरों को प्रतिदिन 500 रुपये वेतन और रोजगार से संबंधित आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए 15,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। और उद्यम शुरू करने के लिए कोलेट्रल फ्री 5% ब्याज की दर से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और कुल मिल और इससे ऋण प्राप्त करने के लिए कारीगरों को कोई भी संपत्ति बैंक के पास रखने की आवश्यकता नहीं होगी। और प्रशिक्षण जो है कौशल विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्राप्त किया जा सके प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो है कुम्हार, बढ़ई, लोहार, शिल्पकार, राजमिस्त्री आदि 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय करने वाले असंगठित क्षेत्र के कारीगर शामिल किए जाएंगे और आवेदक की आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पिछले 5 वर्षों में रोजगार या उद्यम के विकास के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना के तहत ऋण का लाभ प्राप्त न किया हो ऐसे आवेदक योजना के पात्र माने जाएंगे। और सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे और सरकारी कर्मचारी के परिवार से मतलब है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे और दलित, आदिवासी, जनजाति समूह एवं अन्य पिछड़ी जाति समूह के कारीगर एवं शिल्पकार इस योजना में आवेदन के पात्र होंगे और भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और आवेदन में जो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज वर्तमान का फोटो और आधार लिंक मोबाइल बैंक खाते का विवरण आवश्यक हो अपलोड करना होगा से संबंधित दस्तावेज में। और योजना में आवेदन करने के लिए जो है पहले CSC सेंटर पर जाकर अपना लॉगिन
आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद जो है गूगल वेब ब्राउज़र पर SC सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं, योजना में रजिस्टर कर सकते हैं, और स्वयं ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है आपको PM विश्वकर्मा gov.in लिख कर सर्च करना होगा गूगल वेब ब्राउज़र पर। तो ऐसे आधिकारिक वेब पोर्टल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर लॉगिन विकल्प के अंदर आप क्लिक बेनिफिशियरी लॉगिन इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी कोड लिखकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है आप विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन योजना में रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन ID और पासवर्ड आपको अपने मोबाइल नंबर से इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा फिर से, और लॉगिन करने के बाद जो है आप योजना के में आवेदन कर सकेंगे ऋण प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल सीके.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।